गरम पोस्ट को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल का आइकन जरूर दबाएं। बिहार की राजधानी पटना में 5 देश रत्न मार्ग पर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सरकारी बंगले को खाली करवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हालांकि इस पर उठे विवाद के बीच फिलहाल इसको स्थगित कर दिया गया है। तेजस्वी के वकील की तरफ से जिला प्रशासन को उपलब्ध कराए गए LPA के आधार पर यह कार्रवाई टाली गई है। आपको बता दें कि भवन निर्माण विभाग के निर्देश पर पटना के DM ने बंगला खाली करवाने का आदेश दिया है। दरअसल बिहार सरकार के आवास विभाग ने जिला प्रशासन को इस मामले पर नोटिस जारी किया था। तेजस्वी की अनुपस्थिति में की जा रही इस कार्रवाई को लेकर RJD कार्यकर्ता इस कार्रवाई का विरोध करने उतर गए। दूसरी ओर तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप ने बिहार सरकार को चुनौती दी है कि वो बंगला खाली करवा कर दिखाएं, जबकि तेजस्वी यादव ने ये कहते हुए इसका विरोध किया है कि अभी मामला पटना हाई कोर्ट में विचाराधीन है। बहरहाल दोनों पक्षों ने अपने तर्क हैं, लेकिन आइए हम समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। तो तेजस्वी यादव पटना के 5 देश रत्न मार्ग पर स्थित उस बंगले में रहते हैं जो उप मुख्यमंत्री के लिए चिन्हित किया गया है। जब वे बिहार के डिप्टी CM थे तो उस हैसियत से उन्हें बंगला दिया गया था, लेकिन हाल में बिहार सरकार ने बंगला खाली कराने को कह दिया है। दूसरा तथ्य यह है कि फिलहाल प्रदेश के डिप्टी CM सुशील कुमार मोदी हैं और वे एक पोलो रोड के आवंटित बंगले में रहते हैं। ये वो बंगला है जो नेता प्रतिपक्ष के लिए चिन्हित किया गया है। जाहिर है कि इस बंगले को लेकर के ये जो बवाल है ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोर्ट में मामला है इसलिए पेच फंसता दिखाई दे रहा है। जब तेजस्वी यादव डिप्टी CM की हैसियत से थे तो उन्होंने अपने बंगले की साज सज्जा पर विशेष ध्यान दिया था, करोड़ों रुपए खर्च कर बंगले को रिनोवेट करवाया था और अब वो इस बंगले को खाली करना नहीं चाहते हैं। फिलहाल तेजस्वी यादव को जो बंगला अलॉट किया गया है उस बंगले में वो नहीं जा रहे हैं और इधर प्रशासन भी लगातार कार्रवाई करने के मूड में है। द गरम पोस्ट की रिपोर्ट।